चलिए आप लोग दोनों का सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और इनके तरफ से मैं भी बोल देती हूँ, हम लोग सभी लोग ठीक है, और जितने भी यहाँ पे हमारा न्यूज़ चैनल वाले हैं सबको तो पहले नमस्कार प्रणाम। बड़े खूबसूरत सा आप लोग वीडियो लेकर आए हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। वीके जी की पोस्टर पे आप लोग शराब, बिहार में शराबबंदी है, कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे सोचा आप लोगों ने कि बिहार में जहाँ शराबबंदी है वहाँ पर इस तरह से कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए? देखिए, एक तरफ से इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जहाँ भी हम लोग देख रहे थे आए दिन, माने एक दो महीना दस दिन पे ऐसा न्यूज़ में आते रहता था कि वहाँ भी जहरीली शराब पी कर के आदमी मर जा रहा है, वहाँ भी मर जा रहा है। एक तरफ से औरत लोग भी है, जो भी है वो नीतीश कुमार जी को काफ़ी भी शराबबंदी के लेकर के तारीफ भी करती है, तो उधर दूसरे तरफ मर्द लोग जो है तो विरोध भी करते हैं, बहुत सारा लोग दारू पीने वाला जो भी लोग हैं, तो उसी पर वीडियो बना हुआ है। और पत्नी जो है नीतीश कुमार जी को माने बहुत लाइक करती है और पति उनको लाइक नहीं करते हैं, इसे यही इस वीडियो में दिखाया गया है। जान जी, जब जब आप साड़ी पहन कर झगड़े कराती हैं बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है वीडियो, तो फिर से आप वही कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हैं, फिर से काम कर रही हैं, क्या किसी इस बार फिर से झगड़ा कराने का प्लान है आपका? इस बार ऐसा लगता है कि पति पत्नी वजह से हम लोग वीडियो में झगड़ा किए हैं। हम तो पति को बहुत मारे भी हैं, इसलिए मारे हैं क्योंकि दारू पी के घर में ड्रामा करना बहुत गलत बात है। दारू ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे घर को और संसार को बर्बाद कर देता है, तो उसमें मैं भगवान से ज़्यादा नीतीश जी की पूजा करती हूँ कि आप मेरे लिए भगवान के बराबर हो, ताकि आपने दारू बंद कर दिया। क्या सच में आपको लगता है कि नीतीश जी का दारू बंद करना सक्सेसफुल है बिहार में और लोग शराब पीना शुरू? हाँ, ये बात सही है। खुले रूप से दारू तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत लोग हैं, हम देखते हैं सड़कों पे या किसी के घर में कि पीकर बैठे ही रहते हैं, तो सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ लोग खुलकर इस चीज़ का सेवन नहीं कर सकते हैं, ये है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस वीडियो को बनाने का? इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है, मनोरंजन के लिए बनाया गया है जहाँ तक। और रहा बात की बिहार में जो दारू जैसे ब्लैक करके बेचता है लो, लाता है लो, बड़े बड़े माफिया जो भी लोग हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम लोग भी वीडियो बनाएं, ताकि इसके ऊपर भी कुछ कानूनी कार्रवाई जाए जो भी चीज़ हो। क्या जी, सवाल आपसे होगा कि जो भोजपुरी मॉडल्स होती हैं उनके सिर्फ चेहरे का बॉडी का यूज होता है भोजपुरी गानों में। अच्छा। सिर्फ उनको दिखाया जाता है, उनको दर्शाया जाता है, लेकिन एक्टिंग उस तरीके की नहीं आ पाती है जिस तरीके की वो करना चाहती है। आपने रोल बहुत सारे में किया है, तो कितना चैलेंजिंग है एक मॉडल के लिए एक्टिंग करना और साथ ही साथ डांसिंग का छोड़ के पूरा का पूरा एक्सप्रेशन और जो डायलॉग डिलीवरी है, तो कितना चैलेंजिंग है दोनों में, एक्टिंग में और डांसिंग में? ये बात बहुत बड़ी है, सही है, ये बात सही है कि अगर एक मॉडल से कहा जाए एक्टिंग करने के लिए ना, तो मैं अपने इंडस्ट्री में बहुत सारी मॉडल को देखी हूँ जो बहुत हिट है, जिनका नेम है, फेम है, पर अगर एक्टिंग का कह दिया जाए ना, तो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर से जाके बोलती है ना, वो थोड़ा बेस्ट कर रही है, तुम उसको ज़्यादा अच्छा दे दिए हो। मेरे साथ स्पेशली ऐसा हुआ है, और जहाँ तक आज तक मैं भी एल्बम में काम करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे एल्बम में पर्सनली मेरे एक्टिंग को देखकर कॉल किया जाता है। अपने इंडस्ट्री के बहुत बड़े कैमरामैन कहा जाए पंकज सोनी सर, और मैं उनकी फ़ैन हूँ एज ए वीडियो डायरेक्टर, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया था, बोला था कि चाहत एक सैड सॉन्ग, ये अभी कुछ मर्डर वर्डर हुआ था, छोटू का कहानी था, तो उसी पर स्टोरी बन रही है, और आपको 21 गर्ल्स मतलब मॉडल का लिस्ट बना था, उसमें से तुमको सेलेक्शन किया गया है कि एक चाहत है कि बेस्ट एक्टिंग कर सकती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, लोग एक्टिंग को भी मानते हैं और पहचानते हैं, तो मुझे लगता है कि सही बात है, फ़र्क है डांस और एक्टिंग में, फ़र्क है। एक सवाल होगा, जो आपने वीडियो बनाया है जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, जो दिखाया गया ऑफ स्क्रीन जो मैंने देखा है जी, उसमें थोड़ा देसी चीज़ें को दिखाया गया है, जो घरेलू जो आवाज़ होती है वो भी लिया गया है, या फिर जो घर में महिलाएं लड़ती झगड़ती हैं, जो फिल्म वाला कल्चर होता है वो कल्चर ना होकर के देसी वाला कल्चर है, तो ये जो चीज़ें थी इसके दर्शाने के पीछे क्या उद्देश्य है? बिहार की महिलाओं को जो पहले से जागरूक है, दारू पहले से ही बंद करा चुकी है, उनके लिए क्या है वो दिखाया? देखिए, इस वीडियो का जो गांव टाइप का जो भी घरेलू बनाया हुआ है, जो कि ज़्यादा करके दारू पी करके ज़्यादा करके वहीं गांव साइड में ही ऐसा कंडीशन मिलता है,
पति पी करके आएगा वो महुआ वाला दारू जो भी मिलता है वो पी करके आएगा, उसके बाद में नकड़ा नौटंकी चालू कर देगा, सेम कंडीशन करता है लोग, इस उसी के ऊपर ये वीडियो बनाए ताकि थोड़ा ये हाईलाइट हो। जी आप कुछ फिल्मों में भी काम की हैं और चिंटू पांडे के साथ आपकी फिल्में आप देखी गई, वहाँ तक तो का सफर यानी कि कैसे आपको मतलब मिला वहाँ पे फिल्म में रोल करने का मौका? कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन ये है कि अगर मैंने उस फिल्म तक पहुंची हूँ, मैंने अभी तक तकरीबन 7-8 फिल्में की है, जैसे कि बंधन प्यार के शुभी शर्मा जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, चिंटू पांडे जी के साथ तकरीबन मेरा 3 फिल्में हैं, प्रेम गिट्टू, पिया मिलन चौराहा, और अभी एक फिल्म होने वाला है पिता शायद नाम है, अभी नाम उसका खुलासा नहीं हुआ है, फिर से शिकारी, ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं। फर्स्ट हमारा फिल्म हमारे ऑडिशन के थ्रू हुआ था, उसमें ऑडिशन हमारा हुआ था, ऑडिशन सक्सेसफुल रहा, शायद मेरा एक्टिंग, मेरा स्पेशली भोजपुरी बोलने का तरीका हमारे डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि इस लड़की को रखते हैं। लेकिन उसके बाद लाइफ में हम कॉमेडी वीडियोस करने लगे, थोड़ा सा स्ट्रगल किए और कॉमेडी करते करते रंजीत शर्मा जी के पास पहुँचे, फिर उनका सपोर्ट बहुत रहा। उसके बाद मैंने जो भी 6-7 फिल्में की तो मैं कहीं ना कहीं उनका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे एक्टिंग पे लोग मुझे सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, तो मैं उनको इस न्यूज़ के माध्यम से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सर इतना करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि चाचा जी आप इस गाने को दो लाइन गुनगुना दीजिए। कौन गाने को? जो जो ये गाना आ रहा है लाइक कॉमेडी टाइप जो वीडियो है ना ये, अच्छा वो चाहता हूँ मैं गुनगुना। ये गाना नहीं, ये सिर्फ वीडियो ही है, आप अगर ट्रेलर देखिएगा तो आपका शॉर्ट मूवी है, इसमें जब आपके पति पी करके घर आते हैं तो जिस एक्सप्रेशन में आप उस पर चिल्लाती हैं, हम चाहेंगे उस चीज को कैमरे पे आप करके दिखाएं, जैसे ये आपके पति हैं इनके पति ऑफलाइन में ऑनलाइन में पी के हे जला सराइल बड़ा मन तो करो ताकि लिया के बेलन में मार के तहर लोलवे पूछ दी चल तरह के घर में बताओ तनी चल बहरिया लोग देखा था नहीं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात पे? दारू पीना छोड़ना पड़ेगा ना, जो करेक्टर आता है उसमें कंडीशन अच्छा नहीं रहता है। और बहुत ही मस्त है, स्पेशली एक लड़की काम की है, अभी फिलहाल वो नहीं आ पाई हैं, वो बोलती ए दीदी बहरी मत मार, लोग देखो तो घर में ले चल के मार, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और काम करके बहुत ही मजा आया। एंटरटेनमेंट के लिए भी देखें और कुछ सीख भी मिलेगा इसमें। अच्छा कहाँ पे ये आने वाला है, कौन से चैनल पे रिलीज करने वाले हैं और रिलीज हो चुका है कि नहीं, इसका थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए ताकि जो वीडियो देखें वो आपके वीडियो तक पहुँच सके। संदीप साइन एंटरटेनमेंट के पे वीडियो रिलीज हो चुका है, आज ही हुआ है कुछ देर पहले, और उस पर ही मिलेगा ये वीडियो। देश आज़ाद हुआ है और आप दूसरे तरीके की आज़ादी मना रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी आज़ादी ही है। अच्छा जब चीज़ें चल रही थी, जब शूट हो रही थी, इसकी शूटिंग बिहार में की गई है कि बिहार से बाहर की गई? देखिए इसका शूटिंग बिहार में हुआ है, बट जो दारू का बोतल है तो वो सिर्फ फेंका हुआ बोतल है और जो उसमें देखने के लिए है वो टीका है, ओरिजिनल नहीं है। नहीं ओरिजिनल नहीं है। सवाल आपको मालूम था कि इससे रिलेटेड होने वाला? हाँ ओरिजिनल नहीं है। अच्छा अच्छा आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए कि और क्या क्या प्रोजेक्ट अभी तरफ से और चार की तरफ से आ रहे हैं? अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी आने वाला है वो क्राइम ऑफ बिहार के ऊपर आने वाला है, और इसमें मुजफ्फरपुर में जो बलगा गृह है उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, और इसमें बहुत सारे लोग भी काम करेंगे। कैसा लग रहा है आप दोनों को एक साथ काम करके? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा जीदी ही अपना मन का करते हैं, समझाते हैं तो समझते नहीं हैं, और एज ए कोई स्टार अगर सचमुच रियल वाले पति होते ना तो कूट के इनको चटनी बना देते हैं, लेकिन दूसरे के पति होने वाले हैं या हो चुके होंगे तो मारना आई थिंक अच्छा नहीं है। अच्छा चार जी ये बताइए आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं या फिर वीडियो में ही ऐसी हैं, अगर आपके जो भी हस्बैंड वगैरह होंगे? नहीं चार पाँच हस्बैंड है। सच बता दे अगर जिस टाइम से इंडस्ट्री में आए हैं तकरीबन अगर शादियाँ मेरी हुई होगी ना
तो 150 हो गया होगा, लेकिन कोई हस्बैंड अपना घर ले जाने को तैयार ही नहीं होता है, बस वीडियो में आया शादी किया उसके बाद वीडियो खत्म, जा तुम कौन, वीडियो में ही पता लग जाता है कि इसी में जब ऐसे है तो घर ले जाएंगे तो जीना ही मुश्किल है, इसीलिए आज तक हमको कोई मिला नहीं। अच्छा आपने प्यार वाली वीडियो क्यों नहीं बनाया, हर वक्त झगड़ती रहती है क्या? एक बार प्यार वाला बनाए थे, वो नतिया धोखा दे दिया। जी आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए कि आने वाला प्रोजेक्ट कौन कौन सा आपका है? अभी तो फिलहाल मैं जैसे खुशी जी ने पूछा फिल्में भी की हूँ, तो दो चार फिल्में भी आने वाली है जिसमें से शिकारी का ट्रेलर आ चुका है उसमें मेरा आइटम सॉन्ग है, और बाकी बहुत सारा एल्बम किए हैं जिसमें से बिल्डरवा के पापा ओम प्रकाश अकेला जी के साथ मेरा बहुत सारा गाना है, और शिल्पी जी का अभी कल ही हम लोग शूट करके आए, हम और मधु जी त्रिशाकर मधु जी शिल्पी जी का बहुत ही प्यारा गाना है, मुझे लगता है कि चलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं, कॉमेडी वीडियो है, फिर से हमारा एल्बम है, तो सब आ रहा है, धीरे धीरे देखने को मिलेगा। थैंक यू।